मैं प्रेम कुमार विद्यार्थी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय युवक कोली समाज की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। किसी काल में किसी जगह भी नहीं कभी भी घबराया है, माटी का नन्ना सा दीपक सदा तमस से टकराया है। केवल घर ही नहीं, आज तुम धरती पर आलोक जगाओ, उठो प्यार के दीप जलाओ, उठो प्यार के दीप जलाओ। यतन करो घर और आंगन में, प्रतिपल रहे सत्य का डेरा, तभी सार्थक है दिवाली जब इस मन का मिटे अंधेरा। लक्ष्मी पूजन तब फल देगा, नारायण को साथ बुलाओ, उठो प्यार के दीप जलाओ, उठो प्यार के दीप जलाओ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विमल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। मथुरा में वेटरनेस इंडिया संगठन ने योद्धा चौक से रैली निकालकर जम्मू कश्मीर में हो रहे आए दिन भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी को लेकर सरकार के समक्ष विरोध जाहिर किया और उनको आतंकवादी घोषित कर उन पर स्वतंत्र कार्रवाई करने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा के प्रमुख स्थल योद्धा चौक से वेटरनेस इंडिया संगठन के द्वारा रैली निकली। इस मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आए दिन भारतीय सैनिकों पर हो रही पत्थरबाजी एवं सशस्त्र भारतीय सैनिकों की सहनशीलता की परीक्षा को चलते पत्थरबाजों पर वेटरनेस इंडिया संगठन के लोगों ने पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। यह रैली योद्धा चौक से होली गेट होते हुए योद्धा चौक टैंक चौराहे समापन कर दी। इस दौरान योद्धा को पुष्पांजलि अर्पित कर दर्जनों पूर्व सैनिक वेटरनेस इंडिया के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कश्मीर के सैनिकों का समर्थन किया गया, जहां दर्जनों पट्टियां लेकर होली गेट तक पहुंचे और इन साथ ही केंद्र सरकार से कश्मीर में तैनात सैनिकों को पत्थरबाजों पर गोली चलाने का आदेश देने और पत्थरबाजों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक करने का आदेश देने की बात कही। संगठन के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका उद्देश्य कश्मीर में तैनात सैनिकों को पत्थरबाजी पर गोली चलाने एवं उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने का आदेश देने की अपील करना है। मेरा नाम बीरम सिंह ठकरोला और वेटरन्स इंडिया का मैं यहाँ का सचिव हूँ जिला मथुरा का, और आज हम वेटरन्स इंडिया और पूर्व सैनिक सब मिल करके यह संदेश देना चाहते हैं समस्त देशवासियों को कि आप देशवासियों हमारा साथ दो पूर्व सैनिकों का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सैनिकों के पराक्रम और सैनिकों के साहस और सैनिकों की वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। पत्थर से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। हमारी समस्त देशवासियों से अपील है कि आप सब हम पूर्व सैनिकों के साथ दें, ताकि हम पूर्व सैनिक और आप सब मिल करके इस देश के हुक्मरानों को ये संदेश दे सकें और रोष व्यक्त कर सकें कि हमारे सैनिकों के हाथ खोले जाएं और जो सेना के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें देश का शत्रु डिक्लेयर करें, ताकि उनके साथ शत्रुता जैसा व्यवहार किया जा सके। हम नहीं मानते कि वो हमारे नागरिक हैं। हाँ, वैसे मानते थे, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी है। अब वो हमारे सैनिकों को पत्थरों से मार रहे हैं, और हमारे सैनिक किस कारणों से राइफल होते हुए भी, अम्युनिशन होते हुए भी फायर करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ कोई ना कोई कारण जरूर है, इसलिए इस कारण को समाप्त करने के लिए मैं समस्त देशवासियों से और समस्त भूतपूर्व सैनिकों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एकजुट वेटरन्स इंडिया नाम की संस्था का सहयोग करें, ताकि हम देश की सरकारों पर, देश के राजनीतिज्ञों पर और जम्मू कश्मीर की सरकारों पर और जम्मू कश्मीर के राजनीतिज्ञों पर अपना एक दबाव बना सके और अपना रोष व्यक्त कर सके। साथ ही उन्होंने कहा, जब कश्मीर में तैनात सैनिक हथियार से लैस होने के बावजूद भी जब पत्थरबाजों के पत्थर खाने को मजबूर होते हैं, तो ऐसे में कश्मीर में तैनात सैनिकों का ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय सेना का मनोबल गिरता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि
वो कश्मीर में अथवा अन्य क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को आतंकवादी एवं पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने का खुला आदेश दे, जैसे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ सके। यूनिवर्सल न्यूज के लिए मथुरा से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।